हाँ जी, तो आज का दिन वी गोइंग टू अहरबल वाटरफॉल। तो अहरबल वाटरफॉल यहाँ से कितना दूर है, कितने किलोमीटर्स? किलोमीटर्स तो पता नहीं यार, 2 घंटे बोला था। 2 घंटे तो हमने एक कैब कर लिए, तो 3,000 रुपये लगे शायद कैब के। नहीं, 2,500। 2,500 कूल, 2,500 लगे हैं। हम 3-4 लोग हैं तो ठीक है, बजट में ही है। तो हमारा सफर शुरू हो गया अहरबल के लिए। हमारे यहाँ से क्लैन भाई आज फिर आ गए। हेलो, कैसे हैं आप? आप दिख नहीं रहे हैं, आप दिखाएंगे कौन है आप? कौन है आप? ठंड है, ठंड है, काफी ठंड है। तो हमें कितनी देर लगेगी अभी अहरबल पहुंचने में? अभी 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे आई थिंक। 2-2.5 घंटे, ओके। और वहाँ पे कितनी ठंड होने वाली है? ठंड तो काफी होगी भाई, ठंड के लिए गियर अप कर लो, अभी से पैर जमने लगे हमारे। अभी हम काकपोरा पुलवामा में है, तो अभी ये सैंड माइनिंग चल रही है इनकी, शिकारा में। ये नॉर्मल शिकारा से बहुत बड़े होते हैं, लाइक बहुत बड़े, क्योंकि इनका सैंड उठाना होता है, इतना वजन हो जाएगा सैंड। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बड़े होते हैं। ये सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजे स्टार्ट करते हैं, विंटर्स समर्स, कुछ समर्स में तो उससे पहले। क्या सीन चल रहा है वहाँ पे? तो एक्चुअली वो ऐसे नीचे बड़े बड़े डंडे डाल के 2-3 लोग खींचते हैं उसको अंदर से, रेत निकालते हैं रिवर बेड से। तो मतलब हाँ, न्यू थिंग फॉर मी। पहले ये बहुत इजी था करना बेसिकली। अच्छा, तो अब क्योंकि बहुत साल से कर रहे तो ये रिवर बेड मतलब नीचे हो गया, तो आजकल बहुत बहुत नीचे करना पड़ता है, तो वो चीज़ होता है। यार आज फौजी लग रहा है। ٹوٹل نی کہین مگر ہور یہ تپ پیٹس پیٹ یہ تو ہمارا اہربل کا راستہ تو 2 گھنٹے کا بولا تھا ہمیں، لیکن ابھی تو روڈ از کلوز، کچھ پنگے تھے بیچ میں راستے میں، سو ہمیں کہیں اور سے آنا پڑ رہا ہے راستہ پوچھ کے بار بار۔ تو ابھی کافی سندر سی جگہ پہ رکے ہیں، ایک سامنے برج ہے، اس برج سے آئی گیس وی ہیو ٹو کراس دیٹ ٹو گو ٹو اہربل۔ تو شاید ہمارا راستہ 1 گھنٹے اور بڑھ گیا، بٹ بیوٹیفل ویوز ہے۔ وہ تو ہے ہی، پلس तो पार्किंग में पहुंच गए। अभी यहाँ से वॉक है, कितनी देर का वॉक है भाई? 10-15 मिनट।
तो यार पहुंच गए हैं अहरबल वाटरफॉल पे। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि इट विल बी जस्ट अनदर प्लेस टूरिस्टी सा, लेकिन जब हम नीचे उतरना हमने शुरू किया और जब नीचे आए रास्ता तभी दिख गया था कि कुछ तो अलग है इस जगह में। लेकिन जब ये अभी पहुँचे हैं वाटरफॉल पे, अहरबल वाटरफॉल पे, तो मतलब बहुत सही है। लेट मी जस्ट शो यू कितना सुंदर है ये वाटरफॉल। तो वैसे रास्ता तो वहाँ से भी आगे जाने का है लेकिन थोड़ा डेंजरस है। ब्लॉग अच्छा ख़त्म करते हैं यहीं पे। कल सुबह सुबह हमें निकलना है गुलमर्ग के लिए और गुलमर्ग में स्कीइंग सीखनी है अगले 10 दिन। सो वहाँ से भी आएंगे 2-3 ब्लॉग्स। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।